रामगोपाल वर्मा की फिल्म डी कंपनी का ट्रेलर हो चुका है रिलीज। कैसा रहा है इसका ट्रेलर, आइए करते हैं बात। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, रामगोपाल वर्मा की बात करें तो वो अपने अंडरवर्ल्ड सिनेमा के कारण जाने जाते हैं। उनकी मूवीज की बात करें तो सत्या एक मास्टरपीस है, जिसमें मनोज बाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके मेकर भी रामगोपाल वर्मा ही है। 2002 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कंपनी, और उसके बाद आज 2021 में अनाउंसमेंट हुई है फिल्म की जिसका नाम है डी कंपनी। कंपनी मूवी की बात करें तो उसमें माफिया को दिखाया गया था और उस मूवी को भी काफी ज्यादा प्यार मिला था, लेकिन अब 2021 में भी रामगोपाल वर्मा फिर से अंडरवर्ल्ड माफिया लेके आ रहे हैं हम सबके सामने। फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर बहुत अच्छा है और ट्रेलर में आपको बहुत सारा एक्शन और बहुत ज्यादा क्राइम देखने को मिलेगा। रामगोपाल वर्मा की बात करें तो वो इस तरीके का सिनेमा ही अक्सर बनाते हैं, और उन्होंने एक ट्वीट में लिखा भी था इस फिल्म के बारे में कि डी कंपनी में माफिया को बहुत ज्यादा दिखाया जाएगा और दाऊद इब्राहिम के साथ भी इस फिल्म को जोड़ा जाएगा। फिल्म की बात करें तो मुंबई का 80s का एरिया दिखाया गया है और कितना क्राइम था मुंबई सिटी में उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में। फिल्म की बात करें तो 26 मार्च को फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा सिनेमाघरों में और आज इसका ट्रेलर आ चुका है। फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर ओवरऑल बढ़िया था, लेकिन फिल्म ही अब डिसाइड करेगी कि बॉक्स ऑफिस पे इसको कितनी कमाई होती है। अगर आपने इसका ट्रेलर देख लिया है, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।